पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूं तो आपने पुलिस को अवैध असलहे पकड़ते और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की पुलिस लाइन में आज कोर्ट के आदेश पर भारी संख्या में मुकदमे खत्म हो चुके मामलों के हथियारों को नष्ट करने की प्रक्रिया की गई। ये वो नष्ट हो रहे हथियार हैं जिनसे लोगों ने लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी, लेकिन उनके कब्जे से अवैध हथियार पकड़े गए थे। पुलिस ने ऐसे सैकड़ों की संख्या में बंदूक, तमंचे, कारतूस और चाकुओं को नष्ट करने का काम किया। बता दें कि ये पूरी प्रक्रिया कोर्ट के आदेश पर पुलिस के अधिकारियों और एसडीएम की मौजूदगी में की गई। स्मार्ट साउंड। तो सर, आज ये हथियार अभी नष्ट करे जा रहे हैं, क्या पूरा प्रकरण है? जनपद में आयुध अधिनियम के अंतर्गत जो अभी पंजीकृत हुए थे और माननीय न्यायालय द्वारा जिनका निस्तारण हो चुका है, उनसे संबंधित माल के निस्तारण की कार्रवाई प्रचलित है। और इसमें इनके जो आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त हैं, इसमें एसडीएम साहब हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट साहब से हैं हमारे, और मैं एक टीम के रूप में इनको नष्ट कराया जा रहा है। लगभग कितने हथियार हैं ये? इसमें सैकड़ों की मात्रा में आयुध अधिनियम संबद्ध तमंचे, कारतूस, बंदूकें हैं तथा हजारों की मात्रा में कारतूस हैं। कितने पुराने हैं? इनमें कम लग 10 साल से लेके और लगभग 4-5 साल पुराने तक। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।